आपने बर्ड्स को ठंड में कैसे रख सकते हैं। मेरे पास काफी भाई के मैसेज आ रहे थे कि हमारे जो रूम का टेम्परेचर है वो जो है मतलब 20 से कम जा रहा है, तो उसका क्या इलाज है, इसका क्या हल है, इसी वजह से जो हमारे बर्ड्स का टेम्परेचर जो रूम का वो मेंटेन रहे। तो सर जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा 20 तक जब भी टेम्परेचर होता है मैं कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करता अपने बर्ड रूम के अंदर, मगर जब आज मैं फिर अवेली में आया रात के टाइम तो मेरे जो रूम टेम्परेचर हो रहा था वो 19.6 हो रहा है, ठीक है, और 65 ह्यूमिडिटी हो रही है जो कि बिल्कुल सही है बर्ड के लिए। मगर ये है कि अभी ये तकरीबन रात के जो है 9:30 बज रहे हैं और 19.6 टेम्परेचर हो रहा है रूम का। तो जैसे जैसे रात होती जाएगी मतलब 2-3 बजे तो और ये रिड्यूस होता जाएगा, मतलब ये हो सकता है 18 या 15 तक भी पहुंच जाए। तो अब इसका हल ये है कि जब ये मैं कुछ भी हीटर वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ बर्ड्स के, क्योंकि आप जो एक एग्जांपल ले लें, अगर आप 24 घंटे एक हीटर वाले कमरे में बैठे हुए और आपको अचानक से हवा आ जाए तो इंसान को ही जो है फ्लू वगैरह हेडेक वगैरह हो जाता है, तो बर्ड्स के अंदर भी ऐसा ही है। अगर आप हीटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको बिल्कुल वैसी केयर करनी होगी, आपको दरवाजे बिल्कुल फुल इस तरह से कवर करने होंगे, क्योंकि मैं खोलता भी हूँ इनको शाम के टाइम, मेरे दरवाजे खुले हुए होते हैं, इसलिए मैं जो है इस वजह से मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि मेरा बर्ड बीमार होगा। अगर इसमें अगर मैं हीटर यूज़ कर रहा होता अगर फिर मेरा जो है गेट खुलता बंद होता फिर खुलता बंद होता, मतलब हवा आती इन आउट होती, तो उससे मेरा बर्ड जो है एक्सपायर हो सकता था, बीमार हो सकता था। तो इससे बेहतर हल ये होता है कि जो मैं अपने बर्ड्स को मुझे लास्ट ईयर भी जो मैंने यूज़ कराया था वो होते हैं ये बल्ब, ठीक है, 100 वाट वाले आप देख सकते हैं, ये मैं दोनों जो है यहाँ पे लगा देता हूँ, उसके बाद जो है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद जाके जो है मेरे रूम का टेम्परेचर जो है बेहतर हो जाता है और जो एकदम से मेंटेन हो जाता है। इसमें 200 वाट वाला बल्ब भी आता है, अगर आपका रूम ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा कैपेसिटी है मतलब ऐसे होल्डर्स की, तो उस हिसाब से आपने बर्ड्स को जो है मतलब रूम को जो है उस हिसाब से अपना बल्ब लगाने, मेरे पास जो है मेरे 2 होल्डर लगाए हुए हैं और 2 होल्डर में आराम से ये कवर कर जाते हैं 2 बल्ब जो है, ठीक है। इनकी लाइट जो येलो कलर की होती है और ये 100 वाट के होते हैं, मैं आपको अंदर से खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं ये बल्ब होते हैं, ज़्यादातर ये जो पेटीज वगैरह से बेचते हैं उसमें उनके डब्बों में से लगे हुए होते हैं गर्म रखने के लिए, तो एक वहाँ लगाऊंगा और एक यहाँ लगेगा, तो इंशाल्लाह ये जो मेरा 19 टेम्परेचर है ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि अभी जब मैं अंदर आया हूँ तो मुझे खुद को यहाँ पे जो है ठंडक फील हो रही है, तो इस वजह से जो है मैं जो है आज ये कवर करूँ। देख सकते हैं जैसे ही मैंने बल्ब जलाए, ठीक है, ये देख सकते हैं आप मेरे रूम के 19.7 था और ये 19.8 हो गया है अभी, ठीक है, अब स्लोली स्लोली ये बढ़ता जाएगा और 20, 22, 23 तक जाएगा, ये उससे ज़्यादा नहीं जाता क्योंकि ये जो है बल्ब 100 वाट वाले ज़्यादा गर्म नहीं करते, मगर आपकी कैपेसिटी के हिसाब से अगर आपका रूम बड़ा है, मेरा 10x10 का रूम है, तो अगर आपका रूम बड़ा है तो फिर आपको इसे 4-5 लगाने होंगे, अगर उससे ही बड़ा है तो 200 वाट वाले आते हैं वो लगा दें, अगर उससे भी रूम बड़ा है आपका और कवर नहीं हो रहा तो एक 1000 वाट वाली राड आती है जो अक्सर हम जो है रमज़ान में लगाते हैं बैट बॉल खेलते टाइम, तो वो भी बहुत कवर कर देती है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से यहाँ पे इस तरफ और इस तरफ मैंने दोनों तरफ लगा दिए और इस तरफ मेरी LED लगी हुई है बड़ी, ठीक है, तो ये एकदम से बर्ड्स को जो है मतलब अंदर का माहौल एकदम से कंट्रोल हो जाता है इससे। तो देख सकते हैं आप 19.8 हो गया, ठीक है, अब ये और इंक्रीज होता जाएगा 19.9 जो है, फिर 20 पे आ जाएगा, फिर 20.1 20.2 ऐसे ये बढ़ता रहेगा। तो सर ये इसका फ़र्क जैसे मैंने अभी आपको जैसे वीडियो का बताया और ये जो ही चीज़ मैं आपको वही बताता हूँ जो मैंने खुद ने अप्लाई की होती है, ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं आप, और ये जो है अंदर का माहौल बिल्कुल अभी एकदम से ये बर्ड्स के लिए सही हो जाएगा। इससे ये होता है कि आपकी ह्यूमिडिटी जो होती है वो भी मेंटेन रहती है। अक्सर औकात ये होता है कि अगर आपको हीटर लगा हुआ होता है रूम में तो ह्यूमिडिटी का बहुत मसला होता है, रूम तो आपका टेम्परेचर तो कंट्रोल हो जाता है मगर ह्यूमिडिटी ड्रॉप हो जाती है, और जो है इस वजह से जो है एकदम से मतलब रूम के अंदर डेरिंग सेल्स के मसले आ जाते हैं। तो ये देख सकते हैं अभी आप 19.9 हो गया, ठीक है, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। ये मैंने लास्ट ईयर भी अपने बर्ड्स को अप्लाई करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट आया था, कोई डेड इंसेल नहीं आया था, कोई ऐसा बच्चा नहीं आया था जिसकी वजह से इसकी जो है बल्ब के वजह से कोई नुकसान हुआ हो। तो सो वही चीज़ें मैं आपको बता जो मैं खुद ने एग्जांपल जो मैंने खुद ने ट्राई की हुई होती हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी ये और इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, 19.9 हो गया और 19.20 भी होगा इंशाल्लाह अभी,
सकते हैं आप, अभी 19.9 था तो अभी 20 हो गया है, ठीक है, आपके सामने ही ये सारा, और ऐसे ही इंक्रीज़ होता जाएगा इंशाल्लाह कमरे का। और मुझे ख़ुद को भी फील हो रहा है कि कमरे का जो टेम्परेचर है बिल्कुल नॉर्मल होता जा रहा है। तो ये जो है बर्ड्स के लिए बिल्कुल सही होता है, क्योंकि अगर 19 से आपका कम जा रहा है टेम्परेचर तो बर्ड्स के लिए फिर खतरा है, मतलब कमरा बहुत ठंडा हो रहा है। और इससे ये होता है कि बर्ड तो बीमार ऐसे होता है कि आपका पानी जो है वो ठंडा होता जाएगा, दीवारें ठंडी हो जाती हैं, और बर्ड जो है अंडे को से इंक्यूबेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से डेडिंग सेल्स भी हो जाते हैं या फिर बच्चे मर जाते हैं। 19 अगर 20 से आपका कम जा रहा है टेम्परेचर तो फिर आपको जो है ये सारे सिस्टम करना है। अगर 20 तक है बिल्कुल तो कोई मसला नहीं है, 20 के बाद जो है 23, 24, 30 तक आपका टेम्परेचर है तो कोई मसला नहीं, 30 के बाद ऊपर जा रहा है तो मतलब आपके कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो,